अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शू करूं मेघना, धंधा है ना, एंटवर्प तो जाना ही होगा। पर जाना कब है? बस समझने, 2-4 दिन में निकलना होगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि फटाफट लगन कर लेते हैं, अने सादगी से करते हैं ना इस बार, गांव के मंदिर में, बरोबर छे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम चाहो। चल ठीक छे बच्ची। मेघना, आज सुधी तो बोला नहीं तुझे, क्योंकि तू दोस्त है ना मेरी, पर आज बोलता हूँ। आभारी हूँ मैं तेरा और शशांका के, तुम दोनों ने लगन के लिए हाँ पढ़ी। प्लीज जयंत, तुम्हारी समधन से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और दोबारा थैंक्स मत बोलना। हाँ, कदमरी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। अच्छा ये बताओ कि बारात लेके आना कब है? कुलगुरु ने भी बोला है कि कल का दिन शुभ है। कल ही? हाँ कल ही, बारात कल ही आएगी मेघना। ठीक छे ना, वांदो तो नथी ना? ठीक है, मैं रसिक से बात करती हूँ, फिर तुम्हें फोन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। चल जय श्री कृष्ण। कितनी ऊंची है तू? जी ए डफोड़, मैं पूछ रहा हूँ तेरा कद कितना है? इतना नहीं, इतना है। अने चित्र को देख, चित्र का कद कितना है? चल खास बाजू में ये लगा तू। नहीं मालूम, मैं लगा सकता। लगा लगा। लग जावे तो बता देना। एक बात बता, उस दिन यहां से निकाल के कैसे ले गई थी? चंपा कली थी मदद करने के लिए। अच्छा चलने लगा ना हमें। उबी रहे, उबी रहे। चल चल। Oh
छोड़ दीजिए मालिक, मैं ठीक हूँ। छोड़ दूंगा ना तो दवाखाने में देखेगी तू। चला वे आओ। एक बात पूछूं तूने, सुभद्रा के साथ तो कोई रिश्ता नहीं है तेरा, तो पछी ये सब तूने जो किया वो? ऐसा मत कहिए मालिक, अगर आपके साथ मैं रिश्ता छोड़ के आए तो मालकिन के साथ मैं रिश्ता छोड़ के आए। हाँ बोल मेघना। हाँ डीएम, मेरी रसिक से बात हो गई, हम लोग सीधा बारात लेके मंदिर पहुंच जाएंगे। और हाँ, बधाई हो समधी जी। हाँ बधाई हो तने पण अने रसिक ने पण। रखती हूँ, जय श्री कृष्ण। चल जय श्री कृष्ण। कालनी तारीख माँ कादंबरी का लगन पक्का हो गया, जा जाके तैयारी कर। कल ही लगन है, ये सारी तैयारियां करनी होगी, घर से जाना होगा, इतने सारे मेहमान आएंगे। अरे बस बस बस, एवं कहीं न थी, सबको बोल दे के लगन मंदिर में, बस समय अनुसार पहुंच जावे, बरोबर ने? अबे उभाव अमारू मोड़ू सु जोए छे, चल जा। समाचार सुना ने सुभद्रा, कल तेरी दिकरी का लगन है, जरा आशीर्वाद रखना हो कि सब ठीक ठाक हो जाए। नाना जी ये लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं नाना जी? हाँ बेटा। ये घूरी की घंटी की आवाज तो नहीं है? घंटी की आवाज कहां से आ रही है? हितिन ये? हाँ माधु काका, मेरा दंड ये था कि मैं यहाँ रुककर काम करूं, अपनी मेहनत के पैसों से वो सदस्य लौटा कर दूं जो आपने खोया है। ये गाय मैंने अपनी मेहनत के पैसों से लाई, मेरा दंड पूरा हुआ, जाने की आज्ञा चाहूंगा। मुझे मत रुकूंगी, मुझे जाना ही होगा। हितेन अचानक क्या हुआ, तुम तो खेमी के लगन तक रुकने वाले थे ना? हाँ माधु काका, पर अब मेरा यहां मन नहीं लग रहा, मुझे एहसास हो गया कि मैं इस घर का सदस्य नहीं, इस घर का अपराधी, यहां दंड काटने आया हूं। एहसास हो गया कि यह जगह मेरी नहीं, ये दुनिया मेरी नहीं, मेरी दुनिया तो कहीं और है। तुम आए हमारे यहां मेहमान बन के थे, लेकिन हमारे घर का सदस्य बन गए। हमारी सजा पूरी हुई, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, मेरा तुम्हें रोकने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन अगर खेमी के लगन तक रुक जाते तो मुझे खुशी होती। मैं आज मालिक से खेमी और शंभू की लगन के बारे में बात करने जा रहा हूं,
से अचानक हो क्या क्या? इस तरह तो इसने कभी बात नहीं की। किसी ने इसका दिल दुखाया क्या? मैं मालिक से बात करके आता हूं। हाँ बोल। हाँ ने भाभी ने लेने आओ जी। हाँ चल चल जय श्री कृष्ण। माधो का सारू थे हो के तुम आ गए। मैं पिनाकिन को तुम्हारे घर भेजने वाला था कंकोत्री लेके। मालिक वो मैं खेमी की लगन के लिए आपसे अनुमति लेने आया था। हाँ हाँ खेमी की भी लगन की उम्र हो गई ना। अरे माधो काका तुम आज सांझे गांव के मंदिर में आ जाना परिवार समेत। मैंने अपना वो परशुराम ने दया ने मनु सबको गांव में सबको बोलना कि पहुंच जावे। जी मालिक वो मालिक सूच है ये आप सारी लिस्ट देख लीजिए। हाँ चल बरोबर से। हाँ शू कहता था तुम्हें? वो खेमी की लगन के बारे में। कोई रिश्ता है क्या? जो वो शंभू और खेमी की कुंडली मिल गई है। हाँ पिनाकिन बोल। हाँ हाँ तो एमा शू बांधो छे माल भेज देना। हाँ मैं लगन के बाद में बात कर लूंगा। हाँ बोलो। हाँ मालिक आपको इन दोनों के रिश्ते में कोई इतराज तो नहीं? ये भी बात करो छो माधो का तुमको छोकरा पसंद है ने? छोकरी को छोकरा पसंद है ने? हाँ मालिक। सारू छे ने पछी लगन करी दो ने जो पैसा नहीं जरूर हो ने तो बोलना मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है मैं तो आपकी सहमति चाहता हूँ बस। माधो काका मैं धर्मपुर का मालिक हूँ धर्मपुर के बारे में निर्णय लेता हूँ पर ये तो आपका निजी मामला है ना। आओ नहीं रही लगन की बात आपको चोखा लगे तो लगन कर दो आशीर्वाद है मेरा खेमी पे बरोबर ने। अरे ये रघु वो बरोबर रखने खोड़े में। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण। अच्छा नालायक कल अपनी माँ की बरसी में आया नहीं अने वापस आया तो मुझे बताया तक नहीं। चल आओ ना। अरे मारा दिकरा चल ना मारा साथ चल 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 आओ मारा साथ आने बेटा। ये शंभू पानी आने ग्लास लाओ जल्दी चल। सूरज चल रहा होमवर्क करने ना तुम दोनों को चलो चलो यहाँ से आने। कितलो मोटो थई गयो छे मारो दिकरो दारू पीवा मांडे है। कितनी खुशी का दिन है मेरे लिए कल इसकी माँ की बरसी थी और आज आज इसकी बहन का लगन है। आजा साथ में बैठ के खुशी मनाते ना दोनों साथ में पीते आज बरोबर ना। अरे नहीं नहीं पप्पा सु पप्पा ने तू साथ में पिएंगे ले बेटा नहीं, नहीं, नहीं पप्पा ले पी। अरे निकला पीने अरे पीने तू शर्म आवे छे के नती आती मने शर्म। और अब आप ही अपनी नौटंकी बंद करो मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला
क्यों ना पीऊं मैं ये शराब। ये शराब मैं इसलिए नहीं पीता कि मुझे खुशी होती है, दर्द होता है पप्पा, टीस उठती है, इसलिए शराब पीता हूं मैं। पक गया हूं हितेन, हितेन, हितेन से। घर का काम हो तो हितेन, घर की जिम्मेदारी हो तो हितेन, घर की मर्यादा हो तो हितेन, मौलिक कहां है? ये मुझे एंटवर्प भेजने वाले थे बिजनेस के लिए, भेजा पप्पा नहीं ना, पर से सजा दे दी वो गांव में सड़ने के लिए, लेकिन वहां भी बड़ा बन गया वो हितेन। अपनी बहन की सगाई में मुझे चिपकर आना पड़ा आपकी वजह से पप्पा, और आपने आपने मुझे वो स्टोर रूम में छोड़ दिया, वो गंदे से चूहे और कॉकरोचों से उसके बीच में, जैसे मैं जानवर हूं। अरे मालिक भी अपने कुत्ते के सर पे दो बार हाथ फेरता है, लेकिन आपने पप्पा, आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। खून हूं मैं आपका खून, ये छोटी सी जाति की लड़की। बस इसी का इंतजार कर रहा था मैं। हाँ पापा, क्या आप सजा सुनाएंगे? तो मालिक क्या सजा है मेरी? चुप कर रहे तू, चुप कर। नहीं चुप रहूंगा। क्या सजा है मेरी? कि मैं ये घर छोड़ दूं? हाँ गांव छोड़ दूं? फिर आपकी जिंदगी से चला जाओ पापा। अपने खून को आपने उस स्टोर रूम में रखा और इस छोटी सी जाति के लिए। एक शब्द मत बोलना आगे। नानका, एक के बाद एक सजा, पता ही नहीं पापा हम सजा किस बात की भुगत रहे। इस छोटी सी जाति की लड़की के घर में आने की या आपका बेटा होने की। नालायक निर्लज्ज, शराब के लिस्ट में कुछ मुक्ता है तू? बड़े का सम्मान मान तुझे पता नहीं है? बस इसी बात की तो कमी थी, कभी तो रुक गई, कभी पप्पा और माँ आज आपने भी मारो मुझे माँ मारो, एक तू भी मार मुझे माँ, सूरज और बिरवा को भी बुलाओ, मारो मुझे। मौलिक भाई, ये सब आपकी भलाई चाहते हैं और इसलिए मैं। चुप, तू तो इस मामले में बोले ही मत, ये मेरे और मेरे परिवार का मामला है और तू इसका हिस्सा नहीं। ये हरामखोर, बाबूजी नानका को संभालिए, अगर वो अपने आप ऐसे खो गया तो पता नहीं। बहुत चढ़ा भी नहीं तू चले, तेरे उबारो बाबूजी, क्या कर रहे हो तू? यो धर्मराज, पी नहीं तुझे होश माना थी, भैया तो सड़ जा। अरे धर्मराज, जिसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कोई होश नहीं, उसको तुम होश में कैसे ना हो गया? मैं बताऊं नहीं धर्मराज, मुक्त से कुछ नहीं होने वाला। चल ऊपर में चल। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? यही चाहती थी ना तू कि बाप और बेटे के बीच की दूरियां बढ़े? बढ़ गई, सब जानती हूं। तूने बताया ना नानका को कि मौलिक स्टोर रूम में है और उसने शराब पी है।
मां बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, लेकिन मां का कर्तव्य नहीं जानती तू। अरे मां वो होती है जो बच्चों की गलतियां छिपाती है, उन्हें ऐसे सबके सामने बेइज्जत नहीं होने देती तेरी तरह। आज तेरी वजह से एक बहुत बड़ी घटना घटी है हमारे इस घर में। इस बात का मुझे दुख नहीं है कि नानका ने मौलिक पे हाथ उठाया, बाप है वो, उसका हक है उसका, लेकिन इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि मेरे मौलिक ने आज उसके पिता को मालिक का, और ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। मौलिक की गलतियां छिपाई भी तो जा सकती थी ना, लेकिन तूने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तू समझ गई ना मेरा मौलिक तेरे बारे में क्या सोचता है। सुना ना तूने उसने क्या कहा तेरे बारे में? छोटी जाति की लड़की, छोटी जाति की लड़की, कहा उसने? ए छोकरी, मेरे मौलिक की मां कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, क्योंकि उसकी मां जिंदा है, समझे? उसकी मां जिंदा है। मेघना, ये आपने सही कहा कि मौलिक भाई की मां भी जिंदा है, पर ये गलत कहा कि आप उनकी मां हैं, क्योंकि मौलिक भाई की मां मैं हूं, और बनकर दिखाऊंगी जिस तरह मैं कादंबरी की मां बनी हूं। जिस तरह कादंबरी मुझे अपनी मां मानती है, उसी तरह मौलिक भाई भी मुझे अपनी मां मानेंगे। मैं बाप बेटे के बीच की दीवार गिराना चाहती हूँ, शर्म की नहीं भ्रम की। मुझे पता है कि एक माँ को क्या करना चाहिए, और मैं वो करूँगी जो आपने नहीं किया। वो फर्ज निभाऊंगी जो आपने नहीं निभाया, और आपको निभाना चाहिए था। मैं ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही, क्योंकि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में मौलिक भाई का सिर झुके, और मालिक का उनके कारण। मैं ये सब मौलिक भाई का जीवन संवारने के लिए कर रही हूँ, उनका भविष्य संवारने के लिए कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी नाराजगी भी मंजूर है। बेंदा, ए! बहुत बोल रही है तो पर निकल आए तेरे, इसे काट के रख दूंगी ना, इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। सुना तूने? इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू।